बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एरिया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालू निरखुने त्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण वल्लभ प्राण पिया के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री गुमटियां टीम, कितनी प्यारी हमारी ये गुमटियां और कितनी प्यारी हमारी ये टीम सुसज्जित होकर बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हम सब सुंदर साथ को रिझाने के लिए, श्री राजी श्री युगल स्वरूप को रिझाने के लिए लाई है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपकी मेहनत आपके प्रयासों को शत शत नमन, जो माया में से इतना समय निकाल कर हर पल धनी में लीन रहते हैं और इतनी सुंदर सुंदर कुछ गेम्स प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ शोभाएं और कितनी नई नई चीजों से सुंदर साथ को रिझा रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी श्री गुमटियां टीम की अति सुंदर प्रेजेंटेशन की ओर। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप मुझे बताते जाइएगा, गाइड करते जाइएगा। हाँ जी, भावना नीलम, मैं जरा सा शुरू कर देती हूँ दो लाइनें टीम की तरफ से, फिर मैं बता दूंगी कौन आएगा, उसका नाम बोल लूंगी तो आप उसको अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, प्रणाम जी, आइए शुरू करते हैं सुंदर सा। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम आप सबके चरणारविंद में, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम हम सारे गुमटियों की टीम की सखियों की तरफ से, सबकी तरफ से कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हैं आपके चरणों में। तो सुंदर साथ जी, जब से ये प्रेजेंटेशन शुरू हुई है, धाम धनी लाड बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसा लगता है कभी किसी के हृदय में बैठ के, कभी किसी के हृदय में बैठ के, जो जीव के गुण स्वभाव हैं उन सब को उलटा कर माया से धाम धनी की तरफ लगा रहे हैं। निसंदेह इस सब में जो हमारे आगे चले हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। बेशक हम कहें कि श्रेय राज्य को जाता है, राज्य ही लाड़ लड़ाते हैं, लेकिन जिन जीवों ने ये तपस्या करी है, कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। दोनों किरण दीदी, मीनू, सोनिया, आशीष जी और जो परोक्ष रूप में सेवाओं में शामिल हैं, सीमा है, प्रियंका है, उनके बच्चे हैं, अपनी शिल्पा है, सबके नाम नहीं मैं याद रख पाती क्योंकि मुझे राज जी ने बस अपने भावों में डुबोना सिखाया है। तो आज हम देख रहे हैं
कि सब सखियां हाथ से हाथ पकड़ के अपना कौल निभा रही हैं, धाम धनी के प्रेम में डूब भी रही हैं और हम जैसों को डुबा भी रही हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके चरणों में फिर से मैं प्रणाम करती हूँ। तो मैं ये देख रही थी कि जब से प्रीडेंसेशन शुरू हुई है, दिन प्रतिदिन जागनी रास का आनंद बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी जूम के माध्यम से जुड़े हैं उनको तो सारा दिन और किसी काम की फुर्सत ही नहीं है। ब्रिज की लीला शुरू हो चुकी है, राजी ले जाएंगे अपने, ले जा तो रहे हैं, उठा लेंगे, जल्दी से उठा लेंगे। और राजी कहते हैं मैंने हरा के नहीं किसी को ले जाना, हारों को जितावत। तो बस वो लीला चल रही है। दिल से तो हरू ने कह दिया, धनी मैं हारया हारया कहूं बार के जीत ली। तो इसलिए जब हम मान लिया कि हमने हार गए तो उसके बाद ही लाड़ आने शुरू होते हैं, पहले नहीं आते। मैं खत्म होती है तब लाड़ आते हैं। तो अब जून की सखियों ने मैं खत्म कर ली है या कर रही है, तो राजी दिन प्रतिदिन अपने लाड़ लड़ा रहे हैं। तो सब नहीं नहीं, जैसे वो हम बोलते हैं ना, अनेक गुण रंग ल्यावे नए नए दिल धर। ऐसा लगता है कि सब सखियां अपने दिल में धर के राजी महाराज उनके दिलों में बैठ के नई नई शोभाएं, नई नई लीलाएं। शोभा लीला तो परम धाम की वही है जो हमें राजी ने अपने श्री मुख से तारतम वाणी ने में दी, लेकिन उसको पेश करने का ढंग जब अलग से अलग सामने आता है तो मन बहुत खुश होता है। तो यही उद्देश्य है जिसके लिए सोनिया रानी इतनी मेहनत कर रही है और हमें भी आगे बढ़ा रही है। तो सुंदर साहब जी, इस सहयोगिता को निभाते निभाते हम राज्य की अपार मेहर का अनुभव कर रहे हैं। तो आज की इस घड़ी में बारी आई है हम गुमटियां टीम की। तो गुमटियां के बारे में सब जानते हैं, पर फिर भी मैं रह नहीं सकती, जो अनीता अरोड़ा इंट्रोडक्शन देती है ना सब टीमों की, बहुत प्यारी है। तो उन्हीं चार लाइनों से मैं शुरू कर रही हूँ। आकाशी के ऊपर हम हैं आई, कई रत्नों से हम सज हैं आई, पिया जी को देखकर रू मुझ में छिप जावे, ध्वजा के नीचे हमने शोभा है पाई। तो वाणी में रू छिप जावे मैंने तो पढ़ा नहीं था। जब अनीता ने ये बोला सारी टीमों के बारे और हमें पता था कि हमारी टीम का नाम गुमटियां है, तो उसी दिन से जब इसने 14 टीमों के नाम बनाए उसी दिन से ये बात दिल में घर कर गई, गुमटियों में रू छिप जावे। तो बड़ा आनंद आया उस रामत का सोच के। तो चलते हैं देखते हैं राजी आज कौन कौन से रंग ला रहे हैं गुमटियां टीम की सखियों के माध्यम से। तो सुंदर साहब जी, मैं अब गुमटियों टीम की पहला प्रेम पार्सल पिया जी ने जो मुझे दिया सोनिया के माध्यम से ही, तो मैं आज अपना पहला प्रेम पार्सल अपनी प्यारी सखी भावना को देती हूँ। आवाज आ रही है? प्रणाम जी। थोड़ी थोड़ी सी डिस्टरबेंस आने लग गई दीदी। नाम जी सुंदर साहब जी, अब राजी की मेहर से कुछ पूछो तो जाने आपके आगे प्रस्तुत करती हूँ, गलती हो तो क्षमा करिएगा। हर हवेली के ऊपर नूरी झलकार देता, चारों ओर नूर की झालर झलकत है, बोलो तो मैं कौन। हाँ जी, आप रिपीट भी कर दीजिए तब तक। हर हवेली के ऊपर नूरी झलकार देता, चारों ओर नूर की झालर झलकत है, बोलो तो मैं कौन। अरे वाह, कितना प्यारा झलकत है, बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम चतुर्वा। हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हूँ मैं सबका एक एक, मिलके मैं हो जाता हूँ चार चार, जैसे कमल का फूल, बोलो तो मैं कौन।
हूँ मैं सबका एक एक, मिलके हो जाता हूँ चार चार, बोलो तो मैं कौन, जैसे कमल का फूल, बोलो तो मैं कौन। हूँ तो सबका एक मैं एक, सबका एक एक हो जाता हूँ चार चार, जैसे कमल का फूल, बोलो तो मैं कौन। अरे वाह सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये छह बच्चा है जो एक बगीचे का एक ही काउंट होता है, लेकिन वो चारों कोनों में आने से वो काउंट में चार हो जाते हैं। ये बिल्कुल इस पे फिट बैठते हैं, पर वो कौन सी शोभा पे बैठे हैं ये बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। ज्योति दीदी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे तो लगा कि वो फूल बाग के बगीचे हैं जो देखने में एक रहते हैं लेकिन चार की चार हारे हो जाती हैं। अरे वाह कहाँ कहाँ सुंदर साथ पहुंच रहे, आप हिंट दीजिए भावना दीदी थोड़ा सा। और वहां पे हजार पखुड़ियों वाला फूल बोलती है ना, जैसे कमल के फूल तो हजार पखुड़ियों, वहां पे भी हर फूलों में हजार पखुड़ी है, तो वैसा थोड़ा लग रहा है। बहुत सुंदर रिलेट किया आपने सुषमा दीदी, वो तीर की नजर की तरह पहुंचते हैं वहां पे। पता नहीं राजी महाराज सही हो या गलत, जो दिमाग में आ रहा है वो सभी खेल में। चार ताली का हिंडोला। नहीं जी। अरे वाह हूँ मैं एक, पर क्या बात है सुंदरता। मिलके हो जाता हूँ चार चार, जैसे कमल का फूल, बोलो तो मैं कौन। मुकेश प्रणामी जी अगर नहीं बता पाए तो फिर आशी दीदी बता देंगे। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे तो राजी महाराज जी के अधरों की शोभा लग रही है कि जब खिलते हैं तो कमल की पंखुड़ी की तरह हो जाते हैं, और हैं जुड़े हुए जब मिलते हैं तो एक हैं, और जब खिलते हैं तो चार पंखुड़ी बन जाती है। अरे वाह बहुत बहुत सुंदर, प्यारी आपने शोभा तक पहुंचाया, धनी तक, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, सुंदर साथ जी अलग अलग शोभाओं में ले जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले आपको एक इसका हिंट देना चाहती हूँ कि कमल के फूल को छोड़ दीजिए, सिर्फ पहली दो लाइनें पकड़िए, हो सकता है कोई सुंदर साथ बता, अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगी। हाँ जी मुकेश कुमार जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे दिल में तो ऐसा आ रहा जैसे नजरें, नजर मिलती हैं तो चार हो जाती हैं। श्री रंगमहल के अंदर, श्री रंगमहल के अंदर की शोभा है वैसे जो आप बता रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उन्होंने बनाया है भावना सखी ने, श्री रंगमहल के अंदर की शोभा है, हूं मैं एक एक मिलके हो जाता हूँ चार, बस यहीं पे टिक जाइए पता लग जाएगा। हाँ जी शशि दीदी भी हाथ में हाथ डालेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोशिश कर रही हूँ, चांदनी के ऊपर आए बगीचे, एक बगीचे में तो चार बगीचे हो जाते हैं वो। सुंदर साथ जी आप रंग महल के मध्य में चले जाओ, टोटल मध्य, आगे पीछे ऊपर नीचे, टोटल मध्य में चले जाओ, पांच ऊपर वाली मंदिर में नहीं, हर भूम में, हर भूम में मध्य में, पांच रंगपुर वाले के आसपास क्या है, सारे नौ चौक, नौ चौकों में, नौ चौकों में एक एक नहीं, एक एक क्या है, नौ चौकों में एक एक क्या है, उनको जोड़ दो, वो चाहे बच्चे हैं, गुरज, गुरज गुरजों के क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, गुरज जब चार चौक मिलते हैं तो चार गुरज इकट्ठे नहीं हो जाते, वो वाला बनाया भावना सखी, अब अपने आप बताएगी। आशी दीदी मैं तो सोची थी फिरावा, चार होता है एक हो जाता है तो फिरावा हो जाता है, चार एक फिरावा, वो भी ठीक है, वो नहीं, बहुत सारी शोभाएं बन गई इसमें, मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि शोभाएं बहुत बन गई, लेकिन राज्य की मेहर, जब भावना ने बोला मुझे, मेरा ध्यान शुरू में वही गया था कि एक एक है तो चार, क्योंकि जब ये किसी ने करवाया था ना तब शोभा दिल में बैठ गई, उससे पहले नहीं आता था, ये क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन आंसर में, लेकिन डिफरेंट ढंग से आया था, डिफरेंट ढंग से, बहुत सुंदर, मिले हुए वो गुर्ज एक से प्रतीत होते हैं पर वो है चार, बहुत सुंदर। हाँ जी अब हाँ जी
कभी कभी पुखराज और नूर को झलकाता, तो कभी माणिक और नूर को झलकाता, बोलो तो मेरी रूह कहाँ खड़ी है और किसको देख रही है। कभी पुखराज और नूर को झलकाता, तो कभी माणिक और नूर को झलकाता, बोलो तो मेरी रूह कहाँ खड़ी है। ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। पुखराज और नूर, माणिक और नूर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये तो हमारा जो नौमी भाव पर दूरदृष्टा वो आई है भाव, उसे राज भी नजर आएगा और अक्षरधाम भी नजर आएगा। माणिक पहाड़ से चारों तरफ सब कुछ वहां से देख सकते, नौमी भाव का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और बड़ी पर्टिकुलर शोभा है, हो सकता है मैं वहां पे अभी ना पहुंची हूँ जहाँ इन्होंने बनाया हो, पर एक पर्टिकुलर शोभा है जहाँ पुखराज और नूर, एक दीवार पुखराज की नृत्य किया भी नहीं। दीदी आप पहुंच गई। हाँ जी बताइए बताइए, आप भी पहुंच गए श्रीनिवास जी। नृत्य किया भी नहीं। हाँ जी, उसमें चार चारों तरफ चार रंग है। बिल्कुल। तो कौन से कोनों की ये बात हो रही है? तो ये माणिक की और नूर की है ना, तो ये नैरित कोने की है। और दूसरा क्या था? दो दो कलर के अलावा दूसरे? पुखराज और नूर, माणिक और नूर। हाँ, तो फिर ये वायब कोने का हो गया और एक नैरित कोने का हो गया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं नूरी थंबो और मेहराबों से सुशोभित, बोलो तो मैं कौन। मैं नूरी थंबो और मेहराबों से सुशोभित, बोलो तो मैं कौन। इसमें तो इनफाइनाइट शोभाएं हमारी आ सकती हैं इनमें। हाँ जी, राज रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये धाम दरवाजे की जो मेहराबे है ना हीरे की, वो हो सकती है, क्योंकि वो थंब भी नूर के और मेहराबे भी नूर की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी के दिल में क्या आ रहा है? प्रणाम जी। माणिक के फूल आ रहा है दीदी मेरे दिल में तो। अरे वाह, माणिक के फूल भी इनसे सुशोभित है, इनमें सुशोभित है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे भी जो हमारे मुख्य द्वार जी हैं उनके ही मेहराबे और रूप आ रही, नूरी खंबर, नूरी मेहराबे। हाँ जी, कहाँ कहाँ का बोला आपने अभी, कहाँ के द्वार? सिंगल मेहर जी के मुख्य द्वार जी हैं जो। इनके अलावा श्री रंग महल के मुख्य द्वार और माणिक के फूलों के अलावा यदि कोई सुंदर साथ बोलना चाहते हो तो बताएंगे। हाँ जी, विजय आंटी, प्रणाम जी। ओप्स, विजय आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी। जहां त्रिपोलियों की शोभा आएगी, थंबों और थंबों में मेहराबों की त्रिपोली। पहुंच गए आप, उनकी खुशी देखिए, सखी पहुंची और उन्होंने हाथों में हाथ डाल दिया। भावना दीदी की चेहरे की खुशी से पता लग गया था कि वो वहीं खड़ी थी। बहुत सुंदर विजय आंटी, प्रणाम जी। हर मेहराब की शोभा बढ़ाता, तीन गिनती में मैं हूँ आता, बोलो तो मैं कौन। माणिक के रिपीट कर। हाँ जी, हाँ जी, एक बार और। एक बार और रिपीट कीजिए भावना दीदी। हर मेहराब की शोभा बढ़ाता, तीन गिनती में मैं हूँ आता, बोलो तो मैं कौन। अरे वाह, ये तो सबके फेवरेट है, ये तो इतनी प्यारी शोभा है कि सबके फेवरेट है। हाँ जी, दुष्यंत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साहब जी। ये तीन माणिक के फूल। हाँ जी बिल्कुल। और देखो भावना दीदी कितनी प्यारी ये बात है,
ये आपका अगला प्रश्न था और पिछले में ही सुंदर साहब श्री माणिक के फूल पे पहुंच गए थे, क्या बात है, बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। एक मंदिर की चौड़ी घोम भर ऊंची कोट दीवार के ऊपर मैं हूँ आता, बोलो तो मैं कौन। एक मंदिर की चौड़ी घोम भर ऊंची कोट दीवार के ऊपर मैं हूँ आता, बोलो तो मैं कौन। आप इतना प्यार से बोलते हो ना, बोलो तो मैं कौन, इतना सुंदर लग रहा है वो, बहुत प्यारा। हाँ जी, हर एक रूह का देखिए अपनी विशेषता, अपना स्टाइल राजी ने यहाँ पे दिया हुआ है। यही बात कितनी रूहें बोलेंगी, सब अलग अलग तरह से, बहुत प्यारा। हाँ जी, सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। झरोका भोम पर पूछे है ना, पहली भोम के ऊपर दूसरी भोम, भोम पर ऊंचा आता है ना झरोका, जो दरवाजे के ऊपर, भोम मेन दरवाजे के ऊपर। हाँ जी प्रणाम जी, सुनीता दीदी झरोखे, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। झरोखे जो है वो 22 हाथ ऊंचे आते हैं, या फिर कितने हाथ ऊंचे आते हैं सुंदर साहब जी, 3 हाथ ऊंचे आते हैं ना। हाँ जी, कोट दीवार की अभी बात हो रही है तो और सुंदर साहब जी भी हाथ में हाथ डालेंगे, कोट दीवार। हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमारे श्री चहबच्चा जी। हाँ जी, अरे वाह, चहबच्चे की रौद। हाँ जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बगीचे के मध्य में हूँ मैं आती, ऊपर ध्वजा व पताका लहराती, बोलो तो मैं कौन। बगीचे के मध्य में हूँ मैं आती, ऊपर ध्वजा व पताका लहराती, बोलो तो मैं कौन। हाँ जी रेणु जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये हमारी है श्री द्योरिया। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी रेणु जी प्रणाम जी। नूरी रेती की झलकार हमारी, टकराती खुले आसमान में सारी, बोलो तो मैं कौन। हाँ जी चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये श्री पश्चिम की चौगान। हाँ जी चांदनी चौक भी हो सकता है इसका आंसर, चांदनी चौक भी। हाँ जी बिल्कुल। फिलअप प्रश्न साथी है प्रणाम जी, एक फिलअप है, चौपाई है, इत डैश जल हिलोले, धनी सा झीले झकोले, इत सिंगार करके खेले, थोर जुदे जुदे जुथ मिले। इत नना जल हिलोले, बहुत बहुत सुंदर आशा दीदी हमारी, बहुत प्यारा उन्होंने ये गाया हुआ है। हां जी शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, इत खड़ो कली जल हिलोले, धनी जीत झीले छकोले। हां जी प्रणाम जी। प्रणाम जी बहुत प्यारा। हाँ जी सोनिया दीदी, आप स्क्रीन शेयर करनी है। हाँ जी, ये देखिए कितना प्यारा तैयार किया है हमारी भावना जी ने, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अब आप इसके बारे में बताइए भावना दीदी। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके आंसर इसी में छुपे हुए हैं, चाहे वो आड़े खड़े सीधे टेढ़े, हर तरह से इसी में ही है उसके आंसर। जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल, कहीं से हमने उसको इसी में ढूंढना, आंसर तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं बोलूंगी, लेकिन उस वर्ड को फिर आपको इसमें ढूंढना है। ठीक है सुंदर साहब जी।
हाँ जी राजी वनों में रमण करने जाते हैं तो हरे रंग की क्या पहनते हैं? इसमें से ढूंढ भी लीजिए सुंदर साहब जी, आपको बताना है कि कौन सी लाइन में वो शब्द लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी कृष्णा जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, पाग वो सेकंड लाइन में है, बीच में दो वर्ड आ रहे पाग। नहीं जी, हरे रंग की क्या पहनते हैं वनों में जाते हैं तो राखी महाराज? छोरी पाग तो ढूंढ लिया आपने, ही अलग आंसर है क्वेश्चन का। हाँ जी गायत्री गायत्री जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझको तो ऐसा लगता है जैसे हिजार पहनते हैं प्रथम लाइन में ही। हाँ जी प्रथम लाइन में, अरे वाह कितना सुंदर ढूंढ लिया ये आपने, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना भावना दीदी? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह बहुत सुंदर गायत्री दीदी, प्रणाम जी। सागरों में हम लोग कौन से पक्ष में रमण करने जाते हैं? हाँ जी सुषमा प्रणामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, शुक्ल पक्ष में। वो ढूंढ के बताइए कहाँ है ये, पहली लाइन में ही दूसरा तीसरा और चौथा वर्ड है। हाँ जी एक मिनट मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, सबसे पहली लाइन में ऊपर से नीचे। हाँ जी वो ना मुझे जूम की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही पहली लाइन, तो मैं इनको ऊपर करती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी अब मुझे दिखाई, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष पहली लाइन में कॉर्नर में, कॉर्नर में सेकंड लाइन सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड है, पहली लाइन का सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ड है ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे नहीं नहीं पहली लाइन। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल 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 प्रणाम जी, प्रणाम जी अति सुंदर प्रणाम जी। हाँ जी भावना दीदी, मूल मिलावे में हम लोग राज्य के डैश में बैठे हैं। मूल मिलावे में हम लोग राज्य के डैश में बैठे हैं। हाँ जी मोनिका दीदी, हाँ जी चरणों में बैठे हैं। हाँ जी वो कहाँ छुपे हैं राज्य? थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में जहाँ पे आपने शुक्र का क करा था ना चरण। हाँ जी ये नाम जी सुंदर साहब जी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है आ रही है, ये चरण है ना। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी कैसे ढूंढ रहे हो आप सुंदर साथ जी, चरणों के दर्शन हो गए हैं ऐसा लगता है या होने ही वाले हैं। प्रणाम जी हाँ जी। सोनिया जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ सुंदर साथ जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज, आराम से आ रही है, दोनों की आ रही है। हाँ जी आपकी भी आ रही है दीदी, भावना को तुम्हारी नहीं जा रही सुन। हाँ जी हाँ जी नाम जी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि कुछ कुछ डिस्टरबेंस भी आ रही है।
जी, और आप को-होस्ट है दीदी, आप को-होस्ट है, आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। ओके ओके, तो चलो नीलम को लेते हैं और ध्यान रखेंगे टाइम का, क्योंकि कई सुंदर साथ बाद में फिर महसूस करते हैं कि टाइम ज्यादा हो रहा है, प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि लंबा ना खिंच जाए कहीं, तो नीलम प्लीज आप भी ध्यान रखना, बहुत लंबा नहीं करेंगे हम। तो अब आप नीलम को अनम्यूट कर दीजिए। भावना ने जो समझे कि भावना ने अपना प्रेम पार्सल नीलम सखी को दे दिया। हाँ जी, प्रणाम जी, नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, सब सुंदर साथ को मेरा कुटान कुट प्रणाम जी। दीदी आज मैं क्वेश्चन आंसर, दीदी आज मैं क्वेश्चन आंसर लूंगी। पहले तो चौपाई से शुरू करूंगी, जो खाली स्थान भरना होगा वो सुंदर साथ बताएंगे, ठीक है। चौपाई है, आगे डैश चढ़ाई के नजरों नूर मकान, कौन देवे उंगरी बताई के बिना महबूब मेहरबान। कितनी सुंदर चौपाई, वाओ। हां जी, ज्योति जी प्रणाम जी, और आप रिपीट जरूर कीजिएगा नीलम दीदी। हां जी, अच्छा जी। आगे डैश चढ़ाई के नजरों नूर मकान, कौन देवे अंगुरी बताए के बिना महबूब मेहरबान। हाँ जी ज्योति जी। हाँ प्रणाम जी। आगे सुख, हाँ आगे आगे सुख चांदनी चढ़ाई के, हाँ जी आगे सुख चांदनी चढ़ाई के केवन कौन देवे सुख चौपाई। नजरों नूर मकान, नजरों नूर मकान, कौन देवे अंगुरी बताए के बिना महबूब मेहरबान। ये सुख कौन देवे, आगे डैश चढ़ाई के, एक ही डैश है, एक ही। हां जी श्रीनिवास जी प्रणाम। नौमी भौम चढ़ाई के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हां जी बबीता दीदी। आगे सुख, सुखी दीदी मेरे को समझ में आ रहा है। हां जी आशी दीदी प्रणाम जी। जो हमारी टीम है, आगे गुमटियों चढ़ाए के, अरे वाह ये चपाई है। सुंदर साथ जी, वो हम किरंतन सुनते हैं ना, भौम तले की बैठाए के, ये उसकी लास्ट चपाई है, लास्ट बट वन। अरे वाह, बहुत सुंदर चौपाई ढूंढ के लाए हैं आप, बहुत प्यारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वलीला अगला है, डैश रिक्त स्थान भरना है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में कोई बात डैश नहीं है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में कोई बात डैश नहीं है। हाँ जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वलीला अद्वैत परम धाम में कोई बात छिपी नहीं है, कोई बात छिपी नहीं है, ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अपने हृदय में, ये मेरे भावों वाले क्वेश्चन है दीदी आज। अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेमयी भावों को आशिक प्रेमी अपने माशूक से डैश द्वारा व्यक्त करता है। अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेमयी भावों को आशिक प्रेमी अपने माशूक से डैश द्वारा व्यक्त करता है। हाँ जी डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नैनो द्वारा। ठीक, बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत प्यारे उत्तर। प्रणाम जी। दीदी अब मेरा है क्वेश्चन, बूझो तो जाने। हाँ जी। छज्जों छज्जों पर गुर्ज, गुर्जों पर हम पर द्वार चार, जैसे परम धाम के नूरी गुण है चार, कहने में हम बड़े हैं आए, पर हम साथ हम छोटों का भी पाए।
छज्जों पर गुर्ज, गुर्जों पर हम पर द्वार चार, जैसे परम धाम के गुण हैं चार, कहने में हम बड़े हैं आए, पर साथ हम छोटों का भी पाए, हम हैं कौन? ये बहुत प्यारा प्रश्न आप हैं बनाए, बहुत सुंदर। हां जी, हां जी, जोशना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुजे ऊपर देहुरी आवे, देहुरी चार बाजू चार थंभ आवे ने, ई चार पूजन पताका, मेहराबी द्वार। बिल्कुल, चार द्वार, चार मेहराबी द्वार। और ये छोटे कौन से लाए हैं जोशना बेन? छोटे नहीं पता दीदी, वो साथ में छोटे भी ले आए अपने साथ में, छोटे रूप उनके कौन से हैं देवरियों के साथ, उनके आगे पीछे कहीं? बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत प्यारा। अनीता दीदी, अनीता दीदी बताएंगे। प्रणाम जी। पीछे जो गेवरिया आई है नैलान के ऊपर, वो छोटी है, 25 हाथ की। बिल्कुल, गुर्जों के ऊपर 66 हाथ के, पीछे 25-25 हाथ के छोटे रूप भी अपने साथ में लेकर आए। अति सुंदर जोशना बेन, अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, गुर्जों के ऊपर आई 66 हाथ की बड़ी वाली गुमटियां। बहुत सुंदर, ये वही जोशना बेन है जो कहती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बस मैं सुनती रहती हूँ पर मेरे दिल में कुछ नहीं आता। और देखिए जोशना बेन कैसे राजी ने पूरा अंदर माया की तरफ से हटाकर नजर कैसे पलट दी, कितना प्यारा उत्तर दिया आपने, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अक्षरातीत श्री राजी के अंदर ही अनंत प्रेम का सागर लहराता है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को क्या कहा है, चौपाई द्वारा स्पष्ट भी करें। एकमात्र अक्षरातीत श्री राजी के अंदर ही अनंत प्रेम का सागर लहराता है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को क्या कहा है, चौपाई द्वारा भी स्पष्ट करें। उन्होंने अपने आप को, स्वयं को क्या कहा है? हां जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। आशिक मेरा नाम रूह, आशिक मेरा नाम, मैं आप रूहों का आशिक हूँ। बहुत सही। अरे वाह सुरक्षा आंटी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर, बिल्कुल सही, बहुत प्यारा। प्रणाम जी आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी ने जुदाईगी का खेल क्यों दिखाया? धनी ने जुदाईगी का खेल क्यों दिखाया? आप आज ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मूल मिलावा में हम रूहें भराए के बैठी है ना, आपके पास धनी और आप वैसे इतनी प्यारी रूह लग रहे हैं आज, उनके पास बैठी हुई, चरणों से लगे हुए, लिपटे हुए, बहुत सुंदर नीलम दीदी। हाँ जी, भावना जी, प्रणाम जी। फिर से अनम्यूट कीजिए, प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। धनी ने अपना इष्ट और साहिबी दिखाने के लिए हमें खेल दिखाया। दीदी, और किसी से पूछो। हाँ जी, बहुत सुंदर, ये बहुत प्यारा बताया भावना दीदी, इष्ट और साहिबी की पहचान करवाने के लिए खेल दिखाया, अति सुंदर। ठीक है, ये भी दीदी, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन मैंने ये लिखा है परम धाम। एक मिनट, मैं कर रही हूँ स्वर्ण आंटी। प्रणाम जी, सुंदरता जी, प्रेम प्रणाम। धनी ने अपना इश्क बड़ा, जब सखियों ने कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है और धनी ने कहा हमारा इश्क बड़ा है, तो इश्क की पहचान करने के लिए हमें जो है ये खेल दिखाया। ठीक, बहुत अच्छा, अपने इश्क को हमने बड़ा कह दिया था ना, अपने इश्क को हमने बड़ा कह दिया था।
हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। तो भावना दीदी यू वो बोलते हैं ना एक छोटा प्रश्न आए आपने पूरा कवर किया उसको और बहुत सुंदर दोनों सखियों ने भावना जी स्वर्णा दीदी बहुत सुंदर प्रणाम जी। हाँ जी इश्क का वास्तविक आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन इश्क का वास्तविक आनंद कब मिलता है। इश्क का वास्तविक आनंद कब मिलता है। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी जब विरह उत्पन्न होता है उसके बाद इश्क का आनंद मिलता है। विरह प्रेम जो उपजे बिल्कुल बिछुड़ने के बाद जब पुनर्मिलन होता है तब वास्तविक आनंद मिलता है। प्रणाम जी बहुत सुंदर आपने बहुत गहराई आपने पकड़ी है अनिल भाई कि विरह से ही इश्क का आनंद आना शुरू होता है। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। श्री श्यामा जी वह सखियों का स्वरूप समान है और श्री अक्षर ब्रह्म तथा श्री अक्षरातीत का भी स्वरूप समान है अंतर केवल क्या है। हाँ जी नरेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी अंतर सिर्फ इतना यही है कि हैं तो दोनों ही राज्य के अक्षर ब्रह्म साहिबी का स्वरूप है सत का स्वरूप है और श्यामा महारानी आनंद अंग है वो आनंद का स्वरूप है। हाँ जी हाँ जी बहुत सुंदर उत्तर आपके दिल में भी यही था नीलम दीदी। हाँ अक्षर ब्रह्म में जी अक्षर ब्रह्म में प्रेम के स्वरूप के स्थान पर सत्ता का स्वरूप है राज्य प्रेम का स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म जो है वो सत्ता का स्वरूप। हाँ जी उन्होंने इसमें कवर कर लिया नरेश भैया ने। हाँ जी बहुत सुंदर प्रणाम जी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप चर्चनी के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। प्रणाम जी बहुत सुंदर नरेश भैया जी। दीदी अगला क्वेश्चन पूछू मेरे क्वेश्चन ऐसे ही इस बार बने पता नहीं राज्य ने कैसे बनवा दिए। बहुत प्यारे। हाँ जी आशी दीदी बताइए कुछ बोल नहीं चाहिए आशी दीदी कुछ कह रही है क्या। नहीं मुझे लग रहा है सुंदर साहब से पूछ लीजिए ऐसा ना हो कि प्रोग्राम हमारा खींच जाए किसी को ये ना लगे। हाँ जी ऐसे करते हैं आप अपने प्रश्न रखिए वन बाय वन सारे सुंदर साथ जी लेकर और फिर जो बच गए होंगे हम सारे प्रश्न कवर कर लेंगे है ना। इतनी प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन बनाई है और हम सब सुंदर साथ के प्रश्न ले लेंगे। हाँ जी आशी दीदी ने अब मैं अपना प्रेम पार्सल बाला सखी को देती। अरे वाह ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रेम पार्सल बांट रहे हैं बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी समय को देखते हुए हमारा अगला कार्यक्रम भी बहुत रंगारंग है इस वजह से मैं दो लाइनों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को विराम देती हूँ फिर कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे ठीक है क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा ठीक है। सोनिया प्रोग्राम ये था क्योंकि हमने घुमटियों में प्रेजेंटेशन बनाई है जो सबकी सांझी है वो बाद में आएगी उसके लिए बाला ने हमें चितवन के द्वारा गुमटियों पे लेके जाना है तो बस बाला के मन में यूं ही खलबली सी मच गई है दीदी लंबा हो रहा है दीदी लंबा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता सुंदर साहब के मन में क्या है क्योंकि कई प्रोग्राम तो टाइम पे खत्म हुए प्रेजेंटेशन में और कईयों के वाक्य ज्यादा लंबे भी हुए तो कईयों के पास टाइम भी नहीं होता दोनों बातें होती है। नहीं कोई नहीं बाला दीदी आप एटलीस्ट जितना आपने कराया है ना आप जरूर लीजिए हम सब सुंदर साथ बैठे हैं उसके लिए आनंद लेने के लिए आपसे सुनने के लिए प्लीज आप लीजिए पूरा बहुत आनंद आएगा। अगर बाला कर भी लगे तो 8 बजे से 8 बजे से ज्यादा नहीं चलेगा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं दीदी कोई बात नहीं
हम बात नहीं करेंगे बाद में, वो तो रोज ही करते ही हैं, तो हम प्रेजेंटेशन जो इतनी प्यारी सुंदर साथ तैयार करके आए हैं वो उनका आनंद लेंगे। हाँ जी बाला दीदी आप प्लीज पूरा लीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्राण प्रिया गुम्मट जी में विराजे, उनके दिल से ही इस खेल में हम आए हैं। आज मैं उनसे अर्जी करती हूँ, प्रिया जी अपने ही दिल में इस खेल से हमें हमारे मूल घर परम धाम ले चलो। प्रिया जी का मेहर भरा हाथ और सद्गुरु का साथ, सद्गुरु महाराज मेरी बाँह पकड़कर मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड से लेकर जा रहे हैं, जिस ब्रह्मांड को पार करने में जन्मों जन्मांतर का समय लग जाता है वो हम पार नहीं कर पाते, लेकिन मेरे राजी और सतगुरु महाराज की मेहर से हम पल भर में इसको पार कर लेते हैं। सतगुरु महाराज जी मेरा हाथ पकड़कर उड़ाते हुए ले जा रहे हैं, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, मानो हम हवा से बातें करते हुए उड़ते जा रहे हैं। सतगुरु महाराज ने मुझे काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, बेहद भूमि सब बताया, करते 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 हम सब रस सागर पर पहुंच गए, जहां से थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ उत्तर की दिशा में होते हुए हम सीधे आगे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, तो सामने क्या देखती हूँ कि केल का फूल आ गया और जमुना जी कल 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 बहती जा रही है। जमुना जी के एक साइड में केल का फूल है तो दूसरी तरफ बट का फूल है। जमुना जी की एक तरफ अक्षरधाम है तो एक तरफ मेरा प्यारा रंग महल, दोनों तरफ ही सातों गुणों की शोभा है, उन शोभा को निहारते हुए मैं केल फूल की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। केल फूल पांच भौम छठी चांदनी सुंदर हिंडोलों की शोभा को निहारती हुई, जब मैं चाहूँ तो हिंडोला ले लेती हूँ, जब मैं चाहूँ तो हिंडोले ऊपर चले जाते हैं। मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, तीन सीढ़ियाँ उतरती हूँ, अपने बाएं हाथ नजर करती हूँ तो सामने मुझे पाठ घाट दिखता है। सुंदर पाठ घाट की तरफ मैं बढ़ती जाती हूँ। आज मैंने जमुना जी के जल में स्नान करके अपने प्रिया जी से मिलने जाना है। जमुना जी का जल भी हिलोरे मार रहा है मुझे आलिंगन में लेने के लिए। जमुना जी का जल क्या है, मेरे पिया जी का ही तो स्वरूप है। मैं जमुना जी के जल में कूद गई, मिश्री जैसा मीठा दूध जैसा उज्जवल जल, दस घरनामों से बहता हुआ जल, इतनी प्यारी मधुर ध्वनि कि बस इसमें खो जाऊं मेरे पिया जी के साथ। जमुना जी से स्नान करके जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो सामने मुझे सुंदर द्योरी की शोभा दिखती है। वो द्योरी भी मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि आज मैंने पिया जी से मिलने जाना है तो सभी मेरा साथ दे रहे हैं। द्योरी में मेरे वस्त्र आभूषण श्रृंगार की सभी सामग्री पड़ी हुई है। मैंने खूब प्यारा सा अपना श्रृंगार किया, श्रृंगार करके जैसे ही मैं द्योरी से बाहर आई तो सामने रंग महल के अनार अमृत जांबू वन की शोभा है। अमृत वन के बीचों बीच रोज जा रही है और अमृत वन के बीच में ही हमारी चांदनी चौक छिपी है। सारी शोभा को देखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे दाएं बाएं हाथ दो वृक्षों की शोभा है, लाल और हरा वृक्ष। चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी हुई है,
सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं, जहाँ पे मैं, मेरे पिया जी और मेरी सारी सखियां सब मिलकर चांदनी चौक में पशु पंखी का मजरा लेते हैं। पशु पंखी नए नए करतब वहाँ हमें दिखाते हैं और हम सब पिया जी के साथ उसका आनंद लेते हैं। चांदनी चौक की रेती असंख्य हीरो जवाहरात से जड़ी हुई है, जिसका प्रकाश जमीन से आसमान तक टकरा रहा है। और चांदनी चौक में कभी कभी हम पिया जी के साथ वर्षा ऋतु का भी आनंद लेते हैं। बस मुझे तो अपने पिया जी से मिलने जाना है। पिया जी मुझे जो शोभा दिखाते जा रहे हैं, मैं देखती जा रही हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे धाम चबूतरा और 100 सीढ़ियां 20 चांदे के दर्शन होते हैं। सीढ़ियों पे सुंदर गिलम बिछी हुई है। सीढ़ियों के दाएं बाएं सुंदर परकोटे की शोभा है, जिस पर सुंदर चित्रकारी और लाल रंग की कांगरी है। ये परकोटा भी एक सीढ़ी की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आगे बढ़ी तो मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे पहुंची। वहां से मैंने ऊपर नजर उठाई, मुझे दो गौमुखी सुंदर हीरे के मेहराब दिख रही है। जैसे ही मैंने दाएं बाएं नजर की तो दो सुंदर चबूतरे जिसपे हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी के थम लगे हुए हैं, इन चबूतरों से भी हम चांदनी चौक का नजारा देखते हैं। और चबूतरों के आगे हमारी परिक्रमा रोज चल रही है और बाहरी हार मंदिरों की दिख रही है और सुंदर झरोखे का भी दर्शन हो रहा है, जिसने वनों से मिलान किया हुआ है। सारी शोभा को देखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरा धाम दरवाजा वो भी मुझे पुकार रहा है कि आजा, आज तो तुझे पिया जी से मिलने जाना है। मैं आगे बढ़ती हूँ। सुंदर लाल रंग की चौखट, हरे रंग की वेणी, दर्पण रंग के दरवाजे पे सामने आए सारी चीजों का प्रतिबिंब पड़ रहा है। बहुत सुंदर मेरा दर्पण रंग का द्वार है। बस जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, स्वसतः ही खुल जाता है। मैं दरवाजे के मंदिर में पहुंच जाती हूँ। आगे एक द्वार और है, मुझसे मैं आगे बढ़ती हूँ, पहली गली में पहुंच जाती हूँ। अंदर जाके सुंदर मंदिरों की हार मेरे दाएं बाएं चल रही है और खम्भों और मेहराबों की शोभा तो देखते ही बनती है। ऐसा लग रहा है कि इसमें हजारों झुरमुट जगमगा रहे हैं। और आगे बढ़ती हूँ, 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देखा। 28 स्तंभ के चौक के दाएं बाएं मंदिरों की हार को देखते हुए मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरी पहली चौरस रसोई की हवेली आ जाती है। बस सुंदर खुली दहलान, मैं आगे बढ़ती हूँ तो क्या देखती हूँ रसोई की हवेली में, शाम श्वेत के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर, सखियां उतर चढ़त करत। आगे बढ़ी तो उत्तर और दक्षिण की दहलानों में हम भोजन करते हैं और चबूतरे पर रात्रि को राजी श्यामा जी के साथ जब हम वनों से घूम कर आते हैं तो वहां पर हम भोजन करते हैं। बस सारी शोभा को देखते हुए मैं चबूतरे से 3 सीढ़ियां नीचे उतरी और पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर आ गई। बाहर आई तो क्या देखा, चौरस हवेली के बाहर 2 सुंदर चबूतरों की शोभा है और सामने दूसरी चौरस हवेली की भी 2 चबूतरों की शोभा है। उन पर सुंदर 24 मेहराबों की शोभा बनती है। बस मैं देखती ही जा रही हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। बस पिया जी के पास जाना है। इसी प्रकार मैंने 3 और चौरस हवेलियों को पार किया। आगे बढ़ी तो सुंदर गोल खम्भों की हार है, ये मेरा प्यारा मूल मिलावे की शोभा है। बस मैं अंदर जाती हूँ, 60 मंदिरों की शोभा को देखा, 4 द्वार देखे, 64 खम्भों की हार देखी और आगे बढ़ी तो कमर पर ऊंचा चबूतरा है, चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां, चबूतरे की किनार पर सुंदर खम्भों की शोभा, कठेड़े की शोभा, खम्भों के बीच में लाल तकियों की शोभा,
जहाँ हम सब सखियां दाड़म की कलियों के समान बैठी हैं। चबूतरे पर सुंदर लाल रंग की गिरलम बिछी हुई है, श्याम श्वेत हरी जरद चार रंग की डोरी है, गिलन पे बीचो बीच हजार पंखियों का कमल का फूल है, जिस पर मेरे पिया जी मेरे सुपान श्यामा मरानी का कंचन रंग का सिंहासन है, ऊपर सुंदर चंद्रवा है, मेरे पिया जी मेरे सुपान उस सिंहासन के ऊपर एक गादी दो चाकले पांच तकियों की शोभा है, दाजी श्यामा जी उस पर विराजमान है, नीचे नूर की चौकी पर उनके चरण कमल है, बस पिया जी को मैंने प्रणाम किया और अपने सुभान श्यामा महारानी को प्रणाम किया, पिया जी से मेरी नजरों से नजर मिली, आज दिल तो यही रुकने को कर रहा है लेकिन पिया जी के साथ कहीं और जाने का भी मन है, मैंने पिया जी को आग्रह किया, पिया जी आज आप हमारे साथ घुमटियों में चलो, बस पिया जी का इशारा पाते ही हम घुमटियों में चलने की तैयारी करते हैं, मैं अपना प्रेम पार्सल अपनी प्यारी सखी अनीता को देती हूँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं आभारी हूँ घुमटियों टीम की कि एक बार फिर इन्होंने मेरे को घुमटियों टीम में श्री धनी जी के गुणगान करने के लिए निमंत्रण दिया। दीदी आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है, चलिए ठीक है। घुमती घुमट जी के ऊपर आई, घुमती घुमट जी के ऊपर आई, अनिता बंद हो गई आवाज तुम्हारी, अनम्यूट करो। आ रही है आवाज दीदी? अब आ रही है, अब ठीक है। घूमती घूमती घूमट जी के ऊपर आई, घूमती घूमट जी के ऊपर आई, श्री प्राण नाथ प्यारे जी ने घुमट जी में शोभा पाई, श्री प्राण नाथ प्यारे जी ने घुमट जी में शोभा पाई, घुमटियों में मेरा प्याई, घुमटियों में मेरा प्याई, श्री राज श्यामा जी मेरे अब घुमटी में आ जाओ, श्री राज श्यामा जी मेरे अब घुमटी में आ जाओ, घुमटियों का गरी से सजाई, घुमटी कांदरी से सजाए, खेल शुरू होने वाला सब सखियां घुमटी में आई, खेल शुरू होने वाला सब सखियां घुमटी में आई, घुमटी सबसे ऊपर आई, घुमटी सबसे ऊपर आई, ध्वजा पताका से सजाई, पिया जी के मन को भाई, ध्वजा पताका से सजाई, पिया जी के मन को भाई, घुमटियां बड़ी प्यारी है, घुमटियां बड़ी प्यारी है,
पिया संग सब सखियां दौड़ी आई, पिया संग सब सखियां दौड़ी आई, रंग बिरंगी घुमटियां, रंग बिरंगी घुमटियां आई, पिया संग मन पिया जी के मन को घुमटियों की सखियां भाई, पिया जी के मन को जी घुमटियों की सखियां भाई, घुमटियों ध्वजा ध्वजा जी घुमटी के ऊपर आए, ध्वजा जी घुमटियों के ऊपर आए, प्रेजेंटेशन देख के पिया घुमटियों में मुस्काए, प्रेजेंटेशन देख के पिया घुमटियों में मुस्काए, घुमटियों की शोभा प्यारी, घुमटियों की शोभा प्यारी, श्री राज श्यामा जी के संग घुमटियां छिप सखियां छिप गई सारी, श्री राज श्यामा जी के संग घुमटियों में सखियां छिप गई सारी, घुमटियां सज गई सारी, घुमटियां सज गई सारी, श्री राज श्यामा बैठे यहाँ रुक जाए वारी वारी, श्री राज श्यामा जी बैठे यहाँ रुक जाए वारी वारी सारी, घुमटियों में फूल आई, घुमटियों में फूल आए, पिया जी को देख के रूहे बलिहारी बलिहारी जाए, पिया जी को देख के रूहे बलिहारी बलिहारी जाए, घुमटियों में काल आए, घुमटियों में काल आए, पिया जी रूहों को मिलने अब घुमटियों में आए, पिया जी रूहों को मिलने अब घुमटियों में आए, घुमटियों पर मेवारी बारी, घुमटियों पे मेवारी बारी, श्री राज श्यामा जी घुमटियों में फिर मेरे संग देने आए वारी, श्री राज श्यामा जी घुमटियों में फिर मेरे संग देने आए वारी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। तो अब हम अनिता सखी ले आई है राज्य को भी घुमटियों में और हम सब सखियों को भी, तो सुंदर साथ जी सिर्फ हम घुमटियां टीम की सखियां ही घुमटियों में नहीं आई बल्कि हम सारी सारी कौन आप सब भी और 12,000 पूरी सखियां, आज हम पिया जी के साथ राज्य श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां मिलकर घुमटियों में रमन करने जाने वाले हैं। तो इस रमन यात्रा को इस रमन लीला को इस रामत को हम एक चपाई द्वारा शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, जिसमें एक रिक्त स्थान भरना है, मेरी घुमटियां की सखियां में से ही कोई एक रिक्त स्थान भरेगी, हर खांचों 60 घुमटियां, हर खांचों
और खांचों डेश गुमटियां शोभित फिरती हार ए झरोखे कंगूरे बैठक बारे हजार। तो बताइए सखी, 60 गुमटियां कैसे? एक मंदिर के ऊपर 2 गुमटियां आती हैं और एक हाथ में 30 मंदिर आते हैं, तो 30 × 2 कर देंगे तो 60 गुमटियां जी। अब इन्हीं 12,000 गुमटियां और बड़ी गुमटियों के आसपास हम भ्रमण करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए सखिया, सब हमारे साथ चलेंगी, क्योंकि आज पिया जी की आत्म स्वरूप अनेक रंगों की किरणों में झिल मिलाती इन गुमटियों ने स्वयं ही पिया जी को निमंत्रण दिया है। कह रही है, आजो पिया जी, आज हमारे पास बैठिए ना प्यारे जुगल पिया, सब सखियों को लेकर यही रमन कीजिए ना। तो पिया जी तो मान जाते हैं, गुमटियां चेतन हैं, दिल से प्यार से पिया जी को बुलाया और पिया जी का इशारा हमें मिला, तो पिया जी का इशारा पाकर हम सब सखियां अपने प्रीतम श्री राज जी और सुभान श्यामल जी के साथ 10 मंदिर के विशेष छांस के दोनों किनारों पर जो गुरज आए हैं उनकी सीढ़ियों के अंदर से सुंदर गिलम का अनुभव करते, अपने चरण कमलों से स्पर्श का अनुभव करते, अपने वस्त्रों आभूषणों की झनकार सुनते, झनझन करते हम इन सीढ़ियों से ऊपर चले जा रहे हैं। और कहाँ पहुंच जाते हैं, मीठी मीठी झनकार सुनते हम 10वीं चांदनी की दहलानों के ऊपर जो छत आई है वहां पहुंच जाते हैं पिया जी के साथ। 201 गुर्जे नूर की नूर गुमटियां 12,000 बीच नूर रूहे बैठक थंब नूर शोभा पार। अनेकानेक रंगों से सुशोभित नूरी गुम्मट गुमटियां और ऊपर स्वर्ण कलश ध्वजा पताका की अति सुंदर शोभा हम देख रहे हैं और घुंघरों की प्यारी प्यारी मधुर ध्वनि पियू पियू की झनकार करते हुए और लाल रंग की कांगरी की तो क्या कहें, इस सारी शोभा में 4 चांद लगाती हुई इस सारी शोभा को हम पिया जी के साथ देखकर अति प्रफुल्लित हो रही हैं। और फिर गुर्ज के ऊपर जो 66 हाथ की बड़ी गुमटी आई है उसके चारों किनार पर सुंदर कठेड़े की शोभा है जिसके साथ लगकर पिया जी के लिए हमारी श्यामा महारानी के लिए सुंदर सिंहासन की शोभा और हम सब सखियों के लिए अनेक रंगों से सुशोभित कुर्सियों की शोभा आई है। तो फिर क्या करते हैं पिया जी, राजी महाराज श्यामा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और हम सब सखियां पिया जी को घेर कर कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और फिर पिया जी के साथ मीठी मीठी बातें करने लगती हैं। कोई सखी तो पिया जी का सलोना मुखड़ा उसी में हस्त हो जाती है, उसी को निहारे जा रही है, भूल जाती है बात करना, और एक सखी पिया जी की पाग के सुंदर पेचों में बंध सी जाती है, और मैं पिया जी के नूरी चरण कमलों की शोभा उनकी किनार की बनक सुंदर कांगरी की शोभा ही देखती जा रही हूँ और उसी में डूब जाती हूँ। और फिर हम आपस में भी बातें कर रहे हैं और क्या कहते हैं, आवोरी सखियों आप हम को दिए बाला जी ने मेला लीजे रे रामत करता गीत गाइए हाँ विनोद रंगड़ा कीजे रे। हमारे वाला जी तो दिल की जानते हैं, उनके श्रवण अंग बहुत चौकस हैं, कहने लगे श्यामा जी सखियों से पूछो आज रमन के लिए कहाँ चलना है। यही गुमटियों में। कौन सा खेल खेलना है। लुका छिपी रामत खेलना है आज। हमारी सुधान श्यामा महारानी ने पिया जी की तरफ नेत्रों से नेत्र मिला के बात की और पिया जी ने और श्यामा महारानी ने हमें इशारों ही इशारों में पिया जी की हाँ बता दी। तो फिर सब एक दिली से कह उठी इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी प्यारी सखियों ने सीखा जहां से। एक सखी कहती, अरे अब खेलते हैं, सावधान हो जाइए, अपने अपने आभूषण संभाल लीजिए। आनंद माहे सहुए सखियो पै जाए ओ जानी भूखा ना दे बाजवा एनी चंचलाई जाए ना बखानी। हम सब ने अपने आभूषणों को कुछ समय के लिए आवाज करने से मना कर दिया। चेतन है, हमारी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो फिर हम अपने वस्त्रों को संभालती हुई धीरे धीरे घुमटियों के आगे पीछे दाएं बाएं बाहर भीतर छिपने लगी और घुमटियां भी हमें छिपने में हमारी मदद करने लगी। और इतने में हम क्या देखते हैं, अरे राजी श्यामा जी भी कहाँ छिप गए, पता ही नहीं चला कहाँ छिप गए। सखियां ना जाने कहाँ चली गई, कोई दिखाई भी नहीं दे रही। पिया जी मेरी मदद करना उनको ढूंढने में, कोई दिखाई नहीं दे रही। चलो पहले दक्षिण दिशा में ही देखती हूँ। अरे सखियो कोई तो इशारा करो, कहाँ पे छुपी हो, कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। यहाँ से श्री वट पीपल का छत्री मंडल दिखाई दे रहा है और उनमें चार चार छह बच्चे भी दिख रहे हैं, उनमें पांच पांच उछलते फव्वारे भी नजर आ रहे हैं। और तो और सखी मुझे यहाँ से श्री बड़ो वन के हिंडोले भी नजर आ रहे हैं। अरे भावना सखी तुम यहीं पर हो दक्षिण दिशा में, पर यहाँ पर तो 3000 घुमटियां है, पता नहीं तुम किसमें छुपी हो। इतने में पिया जी का आत्म स्वरूप चंद्रमा दिखाई दिया। चंद्रमा भी दिखाई दिया, वो देखो एक गुमटी को उसने और अधिक प्रकाशित कर दिया। अरे भावना सखी तुम यहीं पर हो, पकड़ लिया भावना सखी को पकड़ लिया। इन्नी सखी चलो चलो अब बाकी सखियों को भी ढूंढते हैं, ना जाने कहाँ छिप गई। हाँ चलो 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 चलते हैं। अरे इतने में दूसरी दिशा से एक मधुर संगीत स्वर सुनाई दिया। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की वेला, आज चांदनी सी नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की वेला, आज चांदनी सी नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। अरे सखी आज तो चंदा भी रुक गया तुम्हारे संगीत को सुनकर। शुक्रिया चंदा। बोल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जाए, फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जाए। लहरिया बे सुगंध की, लहरिया बे सुगंध की, बास रही महकाए, बास रही महकाए। अरे भावना सखी, अरे ये तो पश्चिम दिशा से आवाज आ रही लगती है। हाँ हाँ सिमी सखी किधर ही देखते हैं, चलो चलो। अरे अरे भावना सखी वो देखो वो नीलम सखी की हरे साड़ी की झलकार दिखाई दे रही है, वो देखो एक गुमटी में दिख रही है नीलम सखी, वो देखो देखो। हाँ हाँ मुझे भी शकुंतला सखी की लाल रंग की साड़ी की झलकार नजर आ रही है। आ, आ, आ,
पकड़ लिया नीलम सखी को पकड़ लिया। अब ये चारों सखियां मिलकर बहुत खुश हो रही हैं और अब वे बाकी सखियों को ढूंढने जा रही हैं। आओ चलो सखी, आशी सखी और बाला सखी को भी ढूंढते हैं। हाँ सखी, हाँ चलो चलो ढूंढते हैं। अरे इधर देखो, उधर देखो, इधर तो 12,000 गुमटियों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना जाने किधर चली गई है। आशी सखी आप कहाँ हो? अरे बाला सखी मैं इधर हूँ, श्री ताड़वन की चांदनी पर, श्री ताड़वन की चांदनी पर। और अच्छा तुम कहाँ हो? अच्छा जी मैं तो बड़ोवन की चांदनी पर हूँ। यहाँ आए सुंदर चह बच्चों का उज्जवल जल मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, मुझे बुला रहा है। मेरा तो बहुत झीलने का मन कर रहा है यहाँ पर। अरे बाला सखी मेरा दिल मत ललचाओ, तुम्हें याद नहीं हम तो घूमते घूमते इधर आ गए, बाकी सखियां हमें ढूंढ रही हैं। हम अभी झीलना के लिए नहीं रुक सकते, और तो और फिर हम सब ने मिलकर पिया जी को भी तो ढूंढने जाना है, अभी नहीं रुक सकते, चलो जहां से। चलो चलो आशी सखी आप ठीक कह रहे हो, चलो चलो पिया जी को ढूंढते हैं। अरे सखियों उधर देखो, अरे सखियों उधर देखो, दोनों सखियां उत्तर दिशा की तरफ से आ रही हैं। एक सखी ताड़वन की चांदनी से आ रही है और एक बड़ोवन की चांदनी से आती हुई नजर आ रही है। मिल गई। दौड़त खेलत सखियां एक साम सामी आवत, हंसी रमूज एक दूजी सो अरस परस ल्यावत, अरस परस ल्यावत। हाँ हाँ वो देखो वो दोनों रंग महल की चांदनी से आ रही हैं। अरे अभी अभी वो देखो, वो दहलानों में जो अक्सी दीवारें आई है ना, उनमें जो सीढ़ियां आई हैं, उनसे वो ऊपर हमारी तरह से घूमटियों में आ रही हैं। देखो देखो आ गई वो। मिल गए सब मिल गए, इकट्ठे हो गए, अति आनंद आया एक दूसरे को ढूंढने में। तो अब चलो सखी, अब हम बहुत खुश हो रहे हैं, तो अब पिया जी को ढूंढने चलेंगे ना। हाँ हाँ सखी चलो रे सखियों, आओ मिलकर पिया जी को ढूंढते हैं। वाला जी बहुत ही होशियार हैं, पता नहीं कहाँ छिपे होंगे। मैं इधर देखती हूँ, आप सब उधर देखो, सारे मिलकर ढूंढते हैं। नुक्का छिपे बहुत हुई, अब तो सामने आ जाओ पिया, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, अब तो सामने आ जाओ पिया, लुका छिपी बहुत हुई, अब तो सामने आ जाओ पिया। अरे सखियों इधर आओ, पिया जी आ जाओ ना, पिया जी बहुत देर कर दी। नैना मेरे तरसत है, नैना मेरे तरसत है दीदार तेरा पाने को, पिया अब तो आओ आन मिलो, पिया अब तो आन मिलो। अरे इधर आओ सखियो इधर आओ, उधर देखो जो अगिन कोन के गुर्ज के ऊपर 66 हाथ की बड़ी गुमटी आई है ना, उधर देखो जरा, वहां से नूर का सागर लहरा रहा है और मीठी मीठी सुगंधी का आभास भी हो रहा है।
हाँ हाँ आशीष सखी, मुझे भी शीतल हवा का एहसास हो रहा है और मुझे श्यामा महारानी की सिंदूरिया रंग की साड़ी की झलकार भी नजर आ रही है। हाँ हाँ भावना सखी, मुझे पिया जी के सफेद जामे का भी दर्शन हो रहा है और हरे रंग की प्यारी इजार का भी दर्शन हो रहा है। देखो देखो मेरे प्यारे पिया के चरण कमल के भी दर्शन हो रहे हैं। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन जी। ढूंढ लिया। दसवीं भूम नूर चांदनी, नूर गुमटियां देखत ए माहौल गिरदवाए नूर के, नूर में हक रूहे हादी खेलत, नूर में हक रूहे हादी खेलत। हाँ जी यही है हमारे जुगल पिया, सब सखियां आ गई ना। अरे अभी बाहर रुको, अभी अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से निहारो पिया जी को। देखो तो पिया जी श्यामा जी से कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब वो बात करते हैं तो उनकी सुंदर हरवटी की शोभा तो देखो कितनी मुस्कुरा रही है, ऐसे लगता है मुखारविंद के सभी अंग मुस्कुरा रहे हैं, मस्तक भौहें नेत्र गाल कान नासिका होंठ दंत अधूर अति प्यारे लग रहे हैं। हम तो सब सखियां पिया जी के अधरों और हरुटी के बीच आई लांक की शोभा में ही अटक जाती हैं। और फिर धीरे धीरे पिया जी के पास खुश होती हुई पहुंच जाती हैं और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, किसी बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, किसने सजाया तुमको पिया जी, किसने सजाया तुमको पिया जी, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, ए हार गुलाबी किसने पहराया, ए हार गुलाबी किसने पहराया, किसने चंदन का तुझे टीका लगाया, किसने चंदन का तुझे टीका लगाया, केसरिया बागा तन में सोहे पिया जी, केसरिया बागा तन में सोहे पिया जी, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। हाय हाय हाय, पिया जी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, अरे सखियो तुम सब कहाँ थी, वो देखो पूर्व दिशा में कितना सुंदर अक्षरधाम आया है, तुम सब कहाँ थी। पिया जी आप हमारी बात सुनिए, आज तो हमने बहुत ही प्यारी लुक्का छिप्पी की रामत खेली है। पहले हम सब ने मिलकर एक दूजे को ढूंढा, फिर हम सब मिल गई और अब हमने आपको भी ढूंढ लिया, और आज हम आपका निरत देखेंगी और हम भी आपके साथ निरत करेंगी। पिया जी हमारे साथ आज आप फूल बाग चलो, पिया जी चलो ना। हाँ हाँ चलो आओ सब चले। वाला जी की सुकृति पाकर हम सब सखियां अपने सुधान श्यामा जी और वाला जी के साथ गुर्ज के अंदर आई सीढ़ियों से भौम दर भौम नीचे उतरते मस्ती करते तीजी भौम के 33 हाथ के छज्जे पर पहुंच जाती हैं और सभी हर्ष उल्लास से भरी हुई हैं। छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक,
जो कई ठेकतिया जाए, एक दो पाँव ठेके खेल विसक के, जानो लगत न छज्जे पाए, जानो लगत न छज्जे पाए। पिया जी, ओ पिया जी, आज हम कुंडड़ी की रामत खेलेंगे। हाँ सखी हाँ, हम पिया जी के साथ पकड़ पकड़ाई की रामत भी खेलेंगे। चलो चलो सखी। पिया आओ चले फूल बाग में, पिया आओ चले फूल बाग में, आओ बैठे वहां फूलों की जहां, आओ बैठे वहां फूलों की जहां, लहलाती है फुलवारियां, आओ चले फूल बाग में, पिया आओ चले फूल बाग में। तो इस तरह से हम सब सखियां पिया जी के साथ विध विध की रामते करते अति आनंद पूर्वक क्रीड़ाएं कर रही हैं। एक चित्रा मंदी वाले बन चढ़िए तीन पर धाए, एक चित्रा मंदी वाले बन चढ़िए तीन पर धाए, एक चुड़की लेके भागी ताली देके, एक चुड़की लेके भागी ताली देके, कहीं दौड़ा मिलियो आए, कहे दौड़ा मिलियो आए। तो इस तरह से दौड़ते दौड़ते हम सब पिया जी के साथ श्री फूल बाग की चांदनी पर पहुंच जाते हैं। रंग बिरंगी फूलों पत्तियों से सजी सुंदर चित्रकारी अति नरम मुलायम गिलम का स्पर्श अनुभव करते और सुगंधित हवा के झोंके जिनमें हर तरह के फूलों की सुगंधि शामिल है, चंपा चमेली गुलाब, अति प्यारा लुभावना मौसम बन रहा है। देखो सखियो, उधर भी देखो, उधर तो बड़ो वन के वृक्षों की तरफ तो नजर करो जरा। एक लंबे हिंडोले मिल बैठी झूले, लेवे शीतल सुगंध भयार, एक झरोखे माहे मिल बैठे जाहे, करे रति रहस विचार। अब हम सब सखियां वाला जी के साथ वृक्षों में आए तनों की सीढ़ियों से उतरकर श्री फूल बाग में पहुंच जाते हैं और रंग बिरंगे फूल खिलोरे मारता हुआ नहरों चह बच्चों का अति उज्जवल जल, उनके फुवारों से नाचती हुई जल की बूंदियां, जिनमें मेरा राजी श्यामा जी का और आप सब सखियों का प्रतिबिंब झलकता दिखाई दे रहा है। सखियां रंग बिरंगे फूल इकट्ठे कर रही हैं। सब सखियां फूलों में मस्त हो जाती हैं। फूले फूल फूल ले आवे, फूले फूल फूल ले आवे, गुही गुही हार पिया जी को पहरावे, गुही गुही हार पिया जी को पहरावे। गुही गुही हार पिया जी को पहरावे। सब सखियां फूलों में ऐसी मस्त हो जाती हैं, देखो तो अभी पिया जी के लिए श्यामा जी के लिए सुंदर आभूषण बन रहे हैं और सखियां आपस में भी एक दूसरे को तैयार करने के लिए आभूषण बना रहे हैं। सब मस्त हो गई हैं फूलों में। और तो और एक सखी फूलों की टोकरी बना रही है पिया जी के लिए, फल मेवे और उगने के लिए डालने हैं उसमें। एक रस रीत उपजावे प्रीत दिखावे अपनो हाल, एक अंग अलबेली आवे अकेली हाथ में फूल गुलाल। अब ये दोनों मानो सखियों जरा इधर देखो, मैंने अपने पिया जी के श्रवण अंग के लिए
बाला बनाया है, कानों का आभूषण। देखो सखियों देखो, देखा तुमने? हाँ बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा है, अच्छा लगा ना आप सबको? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आज मेरे पिया जी ये पहनेंगे। तुमने क्या बनाया सखियों, तुम भी तो दिखाओ। बाला सखी ये देखो, मैंने श्यामा महारानी के लिए कितने सुंदर आभूषण बनाए हैं। बहुत प्यारा, अति सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। अरे मैंने तो राजी के लिए और अपने पिया जी और श्यामा सुभान श्यामा महारानी के लिए देखो कितनी सुंदर फूलों की माला बनाई है। अरे वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, अति सुंदर, अति सुंदर नीलम सखी, अति सुंदर। अरे अरे सखी पहना दीजिए, राजी श्यामा जी को पहना दीजिए, बहुत सुंदर है। अरे अरे सखी देखो देखो, मैंने राज श्यामा जी और राज श्यामा जी के लिए बाजू बंद बनाया है। देखो देखो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सिम्मी सखी, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे मेरे पिया जी और हमारे सुभान। अरे सखियो इधर देखो, मैंने आप सबके लिए आभूषण बनाए हैं, मैंने अरे सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आशी सखी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अरे आशी सखी पहनोगे ना तो पिया जी रीझ जाएंगे, पिया जी तो बाद में रीझेंगे, आशी सखी पहले तो हम ही रीझ गए हैं। इन आभूषणों को पहनकर पिया जी के साथ नृत्य करने का अति आनंद आने वाला है। हाँ हाँ, बहुत आनंद आने वाला है, अति आनंद आने वाला है। इस तरह से हम सब ने, हाँ शकुंतला सखी आपने नहीं दिखाया, दिखाओ दिखाओ आपने क्या बनाया। देखो साकी देखो, मैंने भी पिया जी के लिए झांझरी घुंघरी बनाई है, देखो देखो ये मधुर आवाज है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी शकुंतला सखी, बहुत प्यारी ध्वनि आ रही है झांझरी की। हाँ सखी हाँ, भावना सखी पिया जी के लिए फल मेवे लाई है, देखो तो सखी, देखो सखी फल और मेवे, पिया जी आप आरोगी ना। अरे ये तो अति सरस है, अरे ये तो अति सरस है, आओ मैं तुम सबको भी खिलाऊं, ये देखो कितने मेवे हैं और अति सरस है, मुंह तो खोलो जरा सखियो। बड़े मीठे, बड़े बहुत स्वादिष्ट है पिया जी, आज तो आनंद आ गया इनका स्वाद चख के, बहुत ही अच्छे हैं। बलबल छबीली छब पर दंत तंबोल मुख लाल, बलबल आठ जाम के बल बल रंग रसाल, बल बल रंग रसाल। देखो सखियो सब तैयार हो गई हैं बालाजी के साथ नृत्य करने के लिए, आप भी अपने श्रृंगार सजकर तैयार रहिएगा। देखो हम सबने कितना सुंदर श्रृंगार सजा है पिया जी के लिए। नीलम सखी आप बताओ आपने कैसा श्रृंगार सजा है। देखो अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया। पिया जी के रंग में मैं तो चुनरिया रंगवाऊं रे, पिया
पिया जी के रंग में चुनरिया रंगवाऊं रे, श्री राज नाम का घूंघट पहन के मैं आऊं रे, श्री राज नाम का घूंघट पहन के मैं आऊं रे, छम छम बाजे मोरी पायलिया रे, मैं तो बनी रे दुल्हनिया अपने पिया की, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तुझ संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तू है महबूब मैं तेरी महबूबा, मैं तो बनी रे दुल्हनिया अपने पिया की, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया 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 तेरे इश्क का श्रृंगार करते हैं, दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाते हैं, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाते हैं, दुल्हनिया 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 दुल्हनिया, लाल 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 मेरा चित पियो दे नाल, मैनू लाल रंग बन चढ़िया, मैनू गूड़ा रंग बन चढ़िया, मैनू इश्क का रंग बन चढ़िया, धनी का रंग बन चढ़िया, रंग गई रंग गई रंग गई रे, मैं तो पिया के रंग में रंग गई रे, रंग गई रंग गई रंग गई रे, मैं तो पिया के रंग में रंग गई रे, पिया जी हम सब आपके रंग में रंग गए, अब हमारी बात सुनो, अब हम सब मिलकर पहले आप निरत करोगे और फिर हम सब आपके साथ मिलकर निरत करेंगे, पिया जी आओ आज मिल के निरत की लीला करेंगे, मन तन जौबन चढ़ता नौतन, आया अमृत आशिक इश्क गंज ले, अधुर अमृत मुख देत रसना रस, नित नए सुंदर सब देखे चढ़े, सुंदर साथ जी आप जहां भी हैं जो भी कर रहे हैं अपने दिल के भावों के साथ पिया जी के साथ नृत्य में शामिल हो जाइए, अति आनंद आने वाला है, अपने भावों में झूमिए, आ जाइए सब, नृत्य शुरू हो रहा है। सोनिया कहाँ हो? बस डांस लगा ना, कैसे लगाई डांस? बस ना चलेगी बच्ची, मैं खो गई थी खो गई थी। तभी पिया जी ने आवाज लगाई, श्यामा जी
श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जूती अति जोर जंग करती पूरन रंग, श्यामा जी श्याम के संग, जूती अति जोर जंग करती पूरन रंग, पर आतम परे, पर आतम परे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग, रंग सखी सखी मन उमंग, अल बेली अति अभंग, अल बेली अति अभंग, भामनी रस भरे, भामनी रस भरे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग, छेल कंठ मेले हास खेल रंग रेल, बंद बेल ठमक छेल, बंद बेल ठमक छेल, कामन केल करे, कामन केल करे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग, हार सजे सिंगार, नैन समार सुबे मुखार, संग आधार करे बिहार, संग आधार करे बिहार, मामति काज सरे, मामति काज सरे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के
संग जूती अति जोर जंग करती पूरन रंग प्रणाम जी प्रणाम जी बोलो श्री प्रणाम जी प्रणाम जय प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर प्रणाम जी हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी आज आपने क्या कर दिया राजी राजी करने वाले हैं नित्य नए रंग राजी लेके आ रहे हैं सच्ची सोनिया मैंने कभी कभी नहीं रत्न करा कभी मतलब एक आध स्टेप तो सालाना प्रोग्राम पे होता है वैसे नहीं वैसे निरत मुझे आता ही नहीं और आज तो रुकने को मन नहीं करा था क्योंकि बार बार प्यारी प्यारी सखियां कभी कोई कभी कोई सुनीता सखी सुनीता दूसरी वाली भी और रेनू सखी ने तो लगातार सहयोगिता निभा रहे थे सभी सुंदर साथ बहुत आनंद आ रहा था डीपी सिंह श्रीवास्तव जी इतना मतलब मुझे तो इसलिए मजा आ रहा था कि सभी सुंदर साथ रेनू ने तो एक मिनट भी नहीं रुकी और सुनीता भगत सुनीता सिंगल और मुझे सबके नाम याद भी नहीं क्योंकि मैं भी झूमने में मस्त हो गई थी मुझे झूमना नहीं आता फिर विराज जी ने आप सबके चेहरे दिखा दिखा कर मुझे भी इतना झूम आया और जब तू सामने आई फिर तो पूछ बड़ा आनंद आया बहुत आनंद आया सबके साथ एक जी एक दिल्ली या सुंदर साथ जी कोई फर्क नहीं नामों का कोई नहीं नाम तो यहाँ रखे है ना नाम तो प्रिया जी का भी यहाँ आके रखा है हमारे तो क्या बात है झूठे जीव है लेकिन आनंद बहुत दिया है राज जी ने आज आप सब सुंदर साथ ने हमें यहाँ रहने ही नहीं दिया आप सभी सुंदर साथ हमारा हाथ पकड़ के आज परम धाम लेकर गए थे हर एक सुंदर साथ मैं समझ नहीं पा रही थी कि आंखों को बहने दूं या होठों को हंसने दूं मिक्स्ड होता है ना एक कि राजी क्या करूं आंखें बह रही हैं पर होंठ हंसी से रुक नहीं रहे इतनी प्यारी हंसी इतना प्यारे एक्सप्रेशंस राजी महाराज यहाँ की रामत आपने यहाँ पर उसकी जो दिखाई वो इतनी प्यारी थी तो वहां की रामतें कैसी होंगी आज की जो चितवन आपने करवाई है ना आपकी टीम ने मिलकर इस प्यारे जुत ने उसका कोई जवाब नहीं है ऐसी चितवन तो हमने आज तक कभी की ही नहीं थी आप मिलकर कैसे कैसे कौन कौन सी गुमटियों में लेकर जाते रहे और हम सुंदर साथ आपके साथ साथ चलते रहे कभी उत्तर में ढूंढते रहे ये सखी मिल गई और आप दोबारा सुनकर देखिएगा जो आपकी मिलकर जो हंसी आ रही थी ना ऐसा लग रहा था जैसे परम धाम से गुंजायमान होती हुई वो हंसी हो बहुत सुंदर आशी दीदी और बाला दीदी शकुंतला जी मैं वो देखिए बाला दीदी आप मैं पहली बार बोलने वाली थी कि ये कितना सुंदर आप दिखा रहे हैं सभी कभी फूल हार लेकर आ जाते हैं कभी मेवे तो कभी इतने सुंदर सुंदर आप आभूषण बनाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी सोनिया मुझे लग रहा था कि इस प्रेजेंटेशन में ना हमने छुपाइयां डिस्प्ले करवाई किसी से ना कुछ लेकिन आपने जो करा ना वो अमेजिंग है आपने स्क्रीन खाली नहीं रहने दी मुझे लगता था स्क्रीन खाली रहेगी हमने तो ना छुपाइयां डिस्प्ले करवाई सिर्फ बोल रहे हैं हम
लेकिन धनी धनी जाने किस किसके दिल में क्या डालते, और फिर आप तो हो ही हो, जब आप साथ में हो कोई कमी नहीं आने देते। मैं ये देख रही थी सोनिया, मुझे लगा था मैं सुंदर साहब से पूछूंगी, पता नहीं ये आइडिया कैसा रहेगा, लेकिन मुझे पूछना नहीं पड़ा, मुझे जवाब मिल गया। सोनिया जी, कल आशी दीदी को शाम को लग रहा था कि सोनिया को चौपाई भेज देते हैं, मैंने कहा हमारा ओरिजिनल ही रहने दो, कोई बात नहीं। वो इतना ओरिजिनल रहा, इतना ओरिजिनल कि आप मूल में ही लेकर चले गए। देखिए मूल जो है वो सबसे ओरिजिनल है, आप इतना प्यारा, यहाँ के शब्द काम नहीं आ सकते ये बोलने में, निशब्द भी बहुत छोटा शब्द है इसके लिए, क्या कहा जाए ऐसी। आप चैट में पढ़िएगा कि सुंदर साथ ने क्या क्या लिख दिया इसके बारे में, मैं उनके शब्द आज सुंदर साथ जी के शब्द लेकर आपको सुनाना चाहूंगी। इतना प्यार रहा, कुछ भी ना बाकी, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, इतना प्यारा, एक्सीलेंट, अमेजिंग परफॉर्मेंस, इतनी सुंदर रामत हमने आज तक देखी नहीं, निशब्द कर दिया, नो वर्ड्स, आनंद ही आनंद आ गया, आपने जाने नहीं दिया, आप बोल रहे थे कि कहीं लेट ना हो जाए, मैं आई कैन गारंटी आप पूरा दिन ये रामत खेलते ना, आज राजी प्रूव कर देते कि मेरी सखियों ने आज वो गोपियां बन चुकी हैं। आपने बोला था ना जागनी ब्रिज चल रही है, बांसुरी बजरी जागनी रास जो है ना बस ले जाने वाले हैं अब राजी, आज उन्होंने प्रूव कर दिया इस रामत से। गुमटियां टीम के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, निरस की शोभा, लुक छुपन छुपाई की, स्पीचलेस, ऑसम, एक्सीलेंट, नो वर्ड्स, स्पीचलेस। अभी आप देखिएगा बीच में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, मैं आज देख ही नहीं पाई, मैं तो भूल ही गई, मुझे कुछ शेयर भी करना था सुंदर साथ को देखते देखते। अरे वाह, हां जी ये देखिए सुंदर साथ जी, यूं तो सबकी प्रस्तुति विलक्षण, और अलग अलग सुंदर साथ जी के नाम लिखकर भी सुंदर साथ जी ने प्यार दिया हुआ है, और क्या लिखा है, वृंदा जी ने प्रेम से फल ले लिया उनको, इतना प्यारा लिखा। आशीष जी ने पता है क्या लिखा था, everyone watching this is frozen in awe, फ्रीज हो चुके थे सारे सुंदर साथ जो ये देख रहे थे ना। अरे वाह, बाला जी सुंदर बाला बनाया, सिमी जी बहुत सुंदर नृत्य किया, फर्श पर अर्श की अति सुंदर रामत पिया जी के संग आपने दिखाई, चितवन का नृत्य रूपांतरण जो आपने किया, ये सुंदर साथ जी के लिखे हुए मैं बता रही हूँ। सुंदर साथ जी सज रहे मेरे श्री राज श्यामा जी देखो फूलों से, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बहुत प्यारा बीच में कमेंट आया था, अरे वाह हंसकर चितवनी कीजिए, लाइव एग्जाम्पल ये आज आपने दिखाई है, इस चितवन का अनुभव, ऐसी चितवन का अनुभव पहली बार करवाने के लिए आप सबके चरणों में हम सब सुंदर साथ का बहुत बहुत आभार, जो ये एक्सपीरियंस आज आपने हमें करवाया, इतनी प्यारी रामत करके खुशी के आंसू रुके नहीं रुक रहे, मुझे नहीं पता था मेरे सुंदर साथ जी जैसा भी मेरा ही हाल है कि खुश भी इतनी हूं पर आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। हम सब भी शामिल थे इस रामत में, एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि हम इससे परे हों, एक एक सखी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। आशीष जी ने ये भी लिखा है, रास की अनुकरण लीला जैसा काल माया के जूम में, बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार, अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन विद वाणी चौपाईज इंक्लूडेड, फन एलिमेंट्स, ग्रेट सेवा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। अरे वाह सुंदर साथ जी, ये चैट इतने प्रेम से भर गई है, मुझे लग रहा है ये कहीं हाथ से ना निकल जाए, इनको सेव कर लेना चाहिए, ऐसे लग रहा है कि हम परम धाम में ही बैठे हैं और सखियों संग रामत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रुकेंगे ही नहीं, बोलते जाएंगे इसके लिए, बोलते ही जाएंगे। सुंदर साथ जी भावना सखी की बड़ी मुश्किल से लिख पाई हूँ मैं आज, भावना दीदी, आशी दीदी, बाला दीदी, शकुंतला दीदी, नीलम दीदी और सिमी दीदी, भावना सखी की मुस्कान हमारा दिल लेकर चली गई आज, इतना प्यारा मुस्कुरा रहे थे वो, और बाला दीदी की आवाज
इतनी गहराइयों तक छू रही थी कि मुझे लग रहा था कि परम धाम की जो गहराइयां है ना वो आज उस आवाज में आ गई हूँ। हंसी सिमी दीदी, सारी सखियों की हंसी में इतनी प्यारी हंसी, आपका जो हंसी रस घोल रही थी ना वो इतनी प्यारी थी, और शकुंतला दीदी आपका गायन इतना भाव से भरा हुआ, आप जैसे गाने लगते थे ना मुझे कुछ होने लगता था, और आशी दीदी के एक्सप्रेशंस इतने प्यारे थे, ऐसे लग रहा था कि परम धाम में सखियां ऐसे ही एक्सप्रेशंस देती होंगी, और नीलम दीदी ने इतने प्यारे राजजी महाराज की जो सेवा पधराई हुई थी, और नीलम दीदी आप उनके पास बैठे इतने प्यारे लग रहे थे, आज नजर ही नहीं हट रही थी, मुझे लगता ही नहीं कि सुंदर साथ शब्द सुन सुन कर कैसे घूम रहे होंगे आज वहां पे, ये लाइव आया है आज आप सबके थ्रू राजजी महाराज ने, आपके चरणों में कितना प्रणाम करूं, इसके लिए एक एक के दिल में आज राजू दिखाई दे रहे हैं, ऐसी ही एक दिली हमें यहाँ पर चाहिए सुंदर साहब जी, ऐसी ही एक दिली और ऐसी ही ओरिजिनलिटी भी हमें चाहिए कि हम ऐसे ही ओरिजिनल बने रहें, हमें आसपास का कुछ नहीं चाहिए सुंदर साहब जी, यही मूल चाहिए जो राजी ने आज हमें दिया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप सब मिलकर जयकारा जरूर लगाइए, पर श्री मुखवाणी की चौपाई के बाद आप रहिए, मुझे लगता है सारे सुंदर साथ आपको खूब गले लगा के प्यार करना चाहते हैं। प्रणाम जी। ऐसा प्ले आज तक ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हुआ जो आज आपने कर दिखाया है, इतनी धनी करने वाले, धनी करवाने वाले तो इतना लाड दे रही है, समाया नहीं जा रहा, ऑनलाइन इतना सुंदर कोऑर्डिनेशन शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी संभव हो सकता है जो आप सबने कर दिखाया है आज। प्रणाम जी, आप मिलके जयकारा लगाइए, घुमटियों मिलकर जयकारा लगाओ और गुंजा दो, पूरे पूरे आकाश में गुंजायमान कर दो इस आवाज को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नाधाम की जय, बोलो सर्व सुंदर सात की जय। प्रणाम जी ऐसे लगता है इस क्षण को यहीं रोक दें राजी और बस ले चले, अब ऐसा समय आपने आज सच्ची ले जाए। प्रणाम जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, आज हमारे गायत्री दीदी श्री खुलासा ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई 8 और 26। हाँ जी, आइए चलते हैं। प्रणाम जी, और इंग्लिश में हमारी चाहत प्रणामी जी प्रकरण 82 और चौपाई किरंतन चौपाई 3, 5 और 8। प्रणाम जी। आज हमने गायत्री दीदी को झूमते हुए भी देखा है। प्रणाम जी गायत्री जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राजश्यामा जी सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, खुलासा की प्रकरण 5 चौपाई नंबर 8। जो होवे अर्श अजीम की
सोले हकीकत मार्फत इनको शक मुतलक जिन रूह हक निश्वत। स्वामी प्राणनाथ जी के हृदय में धाम हृदय में बैठकर श्री राज श्यामा जी कह रहे हैं कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है वह हकीकत तथा मार्फत ज्ञान एवं विज्ञान का मार्ग अपनाती है। इनका अक्षति परम ब्रह्म से अखंड संबंध होता है तथा ये निश्चित रूप से ही प्रीतम के प्रति अनन्य प्रेम का मार्ग अपनाती हैं। भावार्थ, ज्ञान से तात्पर्य शब्दातीत ज्ञान से नहीं बल्कि आत्म चैतन्य द्वारा प्रेम में ध्यान से ध्यान में उपलब्ध अनुभूति यानी के शास्त्र के ज्ञान से है। इसी प्रकार विज्ञान से आशय है, साक्षात्कार के पश्चात उसमें ओतप्रोत होकर उसी का स्वरूप बन जाना। सुंदर सास जी, मेरा कुछ वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि घर में टीका भी कोई राज्य का नहीं है, फोन भी बार बार खराब होता है, जो धनी की कृपा जो कहलवाएंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाणी में स्वामी प्राणनाथ जी ने जो वर्णित किया है वो कुछ भी असत्य नहीं है। इन्होंने वाणी में 12,000 सखियां लिखा है कि 12,000 ही सखियां हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं है। चौपाई भी कहती है कि लाडलियां लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। लेकिन अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं कि 100 उत्तरी अरस अजीम से रूहे 12,000, 7 सेवक मलाय के तहते दूजी सब पावे दुनी सब दीदार। उनके साथ सेविकाएं हैं अनंत और सेविकाएं की सेविकाएं खूब खुशहालियां, लेकिन सखियां केवल 12,000 हैं। अगली चौपाई में इनको क्या कह रहे हैं, मोती कहे जो इनको जाको मोल ना काव होए, 12 डालियां गिनती सूरत आदमी की सोए। इनको मोती कहकर हर तरह से पुकारा लेकिन 12,000 हैं जो धनी की, जैसे राजा की पटरानी एक दो ही होती है और बाकी की रानियां, इस तरह से राज श्यामा जी की पटरानियां हैं 12,000 और बाकी की रानियां हैं। तो इसमें राज जी कह रहे हैं कि जो परम धाम की है, जो सखी परम धाम की है, ब्रह्म सृष्टि है, 12,000 हैं और वो इश्क रबद करके इस संसार में दुख रूपी संसार में आ गई, अब उनका जाने का सत्य मार्ग क्या है, वो केवल परम धाम की चितवनी परम धाम की हकीकत मार्फत बातों को ले उनका ध्यान मनन करे तो उनका मार्ग सफल हो जाएगा। वो कैसे कि हम धनी का श्री राज श्यामा जी के आत्म रूपी दृष्टि से पहुंचते हैं कि हम परम धाम में 100 सीढ़ियां 20 चांदे उनको उलांग कर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, उनके अंदर जाकर 28 स्तंभ का चौक, फिर रसोई की हवेली, चारों हार हवेलियों को पार करके हमारा श्री मूल मलावा जी आते हैं। उसमें हमारी सुंदर गिलम, ऊपर हरे रंग का चंद्रवा, कंचन रंग का सिंहासन, सिर में श्री राज श्यामा जी, झलकारो झलकार उनकी शोभा का कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता, उनके स्वरूप का सिंगार का। चारों खांचों में सखियां बैठी हैं, चारों तरफ जगमगा रहा है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए जो अंग इस पर। फिर रूह दूसरी भूमि में चलती हैं, खड़ोकली में स्नान करके भूलवनियों की रामत खेलती हैं श्री राज श्यामा जी के साथ।
अनंत स्वरूप श्री राज जी के हो जाते हैं, अनंत स्वरूप श्री श्यामा जी के हो जाते हैं, अनंत स्वरूप सब सखियों के हो जाते हैं। कोई किसी को ये भान नहीं रहता असल और नकल का, कोई फर्क नहीं कर पाती। और धनी जी को पकड़ दाव में पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। उनको राज्य को एक द्वार से निकल के दूसरे द्वार को निकलती हैं और धनी जी को पकड़ नहीं पाती। इन ठोर खेल रूहन के होत भई भूलवन, होत हास इत खेलते रंग रस वरस रूहन। निठोर खेल रूहन के होत भई भूलवन। सब सखियां श्री राज शर्मा जी मध्य चबूतरे पर विश्राम करते हैं। जब हम सब सखियां तीसरी भौम में जाती हैं तो वहां की अनोखी पड़साल बड़े झरोके, जो श्री राज शर्मा जी हम सखियां तीसरी भौम में झरोकों में खड़े होकर पशु पक्षी का दीदार लेते हैं, उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं। तीजी भौम की जो पड़े साल है, थोड़े बड़े दरवाजे विशाल है, धनिया आवत है ओ प्रात, वनसी चतियां मारा घात। राज श्यामा जी सब जितने भी वृक्ष हैं सब धनी को प्रणाम करते हैं, पशु पक्षी सब धनी को प्रणाम करते हैं और सबको मेरे धनी जी नजरों को सुख देते हैं। जब चौथी भौम में हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ जाती हैं कृष्ण पक्ष में, तो हन्ना वरंगबाई जी का नृत्य देखती हैं। सब सखियां उनके जुथ की नृत्य करती हैं, कोई ताल मृदंग कोई गायन। राज श्यामा जी बड़े खुश होते हैं, सब सखियां भी खुश होती हैं। ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, यहाँ नवरंगबाई यहाँ नवरंगबाई नाच रही और छम छम पायल बज रही। आए हैं श्यामा श्याम जहां जहां नृत की थई थई कारिया, वो सिंहासन पर साजे हैं और नए नए भर भर नैना देते हैं। सब मध्य रात्रि तक सब सखियां राज श्यामा जी के साथ नृत्य देखकर पांचवी भौम में जाती हैं, जहां पर शयन की लीला आनंद की लीला होती है। राज श्यामा जी सभी मंदिरों में पधारते हैं और सब सखियां सुख ले वे सारी रात, सुख ले वे सारी रात, धनी उठावे पितार। सुबह प्रातः उठते सब सखियां, जब हम छठी भौम में जाते हैं तो हम सुखपालों को जो नजदीकी प्रकम्मा होती है हम सुखपालों में घूमने जाते हैं। यदि राज श्यामा जी का और सखियों का मन होता है कि दूर दूर का सफर सैर करके आए तो हम तकतरवा में जाते हैं, और जब सखियां श्री राज श्यामा जी सातवीं भूमि में जाते हैं मन करता है हिंडोलों में झूलते हैं, दो ताली के हिंडोलों में खट छप्पर के झूलों में झूलते हैं और एक दूसरे को ताली देते हैं। वहां का आनंद लेके जब कभी मन करता है तो आठवीं भूमि में जाते हैं, वहां पे खट छप्पर के हिंडोले चार ताली के हिंडोले सब सखियां बैठती हैं और राज्य को ताली देती हैं। जब अपनी चितमन लगाते हैं तो फिर नौवीं भौम में जाते हैं, नौवीं भौम में ये दूरदर्शिका है, वहां पे राज श्यामा जी सब सखियां बैठती हैं और राज जी सब सखियों को सामने की शोभा दिखाते हैं। नजरो सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरो सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावत हक,
नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। श्री राज श्यामा जी हम सखियों को दिखाते हैं, हे रूहो देखो हमारे नीचे चांदनी चौक, इसकी रेती कितनी चमक रही है, और सामने देखे सात वन, फिर जमुना जी अक्षय ब्रह्म के महल भी चिलबिला रहे हैं, उसे आगे इशारा करते हैं जबेरों की डहरे, माणिक पहाड़ की हद बन की नहरे, छोटी रंग की हवेली बड़ी रंग की, और सामने दिख रहे हैं सरोवर सागर जिसमें अनेकों रंगों रंग की किरणें फैल रही हैं। धनी जी उंगली पकड़कर उंगली के हाथ के इशारे से वो बताते हैं। जब राज श्यामा जी हम सखियों को लेकर दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो वहां की शोभा दिखाते हैं, सखियों देखो बट पीपल की चौकी जिनकी छत्रियां रंग महल से लगी हैं, कितनी शोभायमान दिखाई दे रही हैं, और सामने देखिए कुंज निकुंज बन चौबीस सांस का महल और होज को सरताल चौबीस सांस का महल, और उससे आगे इशारा करते हैं कि वो है जवेरों की नहरे, माणिक पहाड़ की हद जिसमें बड़ो वन महावन मधुवन आए हैं, वन की नहरे छोटी रंग हवेली बड़ी की रंग हवेली, और सामने झिलमिला रहे हैं कि नीर सागर जो कि लाल रंग के आए हुए हैं। ये सखियों कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जब श्री राज श्यामा जी पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो वहां की शोभा दिखाते हैं, हे प्यारी सखियों नीचे देखिए हमारे फूलबाग नूरबाग पश्चिम के चौगान चबेरों की नहरे, माणिक पहाड़ की हद छोटी रंग की हवेली बड़ी, और सामने दिखाई दे रहे हैं कि दधी सागर जो हरे रंग के आभा लिए हुए हैं। सब शोभा दिखाते हुए जब कभी धनी जी उत्तर दिशा में बैठते हैं तो कहते हैं, हे सखियों हमारे नीचे देखिए लाल चबूतरा बड़ो वन महावन मधुवन पुकराज पर्वत जबेरों की नहरे माणिक पहाड़ की हद बन की नहरे छोटी रंग हवेली बड़ी, और सामने दिखाई दे रहे हैं कि मधु सागर जो कि श्याम रंग लिए हैं, चारों दिशा में श्री राज श्यामा जी सब सखियों को दिखाते हैं। फिर सामने ये उन सखियों को कहा गया है कि वो अगली वाली चौपाई दिखाओ, जो परम धाम की रूहें हैं ब्रह्म सृष्टि हैं, ये उनके लिए कहा गया कि वो चितवनी का ऐसे ही मार्ग ढूंढें, उनके चितवनी में रह के राज श्यामा जी के 25 पक्षों में रमण करें। अर्श की हकीकत ये धनी की हकीकत मार्फत की बातें हैं, उनको तो इश्क है ही, लेकिन जो रूह निश्वत की है उनको यही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ऊपर वाली चौपाई लीजिए। हाँ जी चाहत बेटा आप भी रेडी रहिएगा बेटा। जो होवे नूर मकान की कायम जिनों के वतन, सो क्यों पकड़े वजूद को पहुंचे ना हकीकत बिन, जो नूर मकान की जो ईश्वर सृष्टि हैं उनको भी ये हकीकत की बातें लेनी चाहिए, अपने वजूद को अपने पांच तत्व के शरीर को पकड़ के नहीं रहे, दुनियादारी को पकड़ के नहीं रहना चाहिए, उनको भी यही मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब अगली 26वीं चौपाई में प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, हाँ सो मोमिन क्यों कर कहिए,
जिन लई ना हकीकत, छोड़ दुनी को ना ले सकिया हक बाका मार्फत। निजानंद संप्रदाय में सभी प्रणामी हैं, सभी निजानंदी हैं, लेकिन हम राज्य को भी ले रहे हैं, राज्य का भी भजन ध्यान मनन कर रहे हैं, चितवनी भी हमने समझ ली, लेकिन हम इस दुनिया को नहीं छोड़ पा रहे। इसमें क्या कहते हैं, उस सुंदर साथ के परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जा सकता है जिन्होंने तारतम वाणी प्रकाश में हकीकत यानी सत्य का मार्ग का अनुसरण नहीं किया होता। ऐसा सुंदर साथ संसार को पीठ देकर अक्षतीत तथा अखंड परम धाम की पूर्ण पहचान नहीं कर सकता। भाव, ये भावार्थ में क्या कह रहे हैं, इस चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए जो हट पूर्वक शरीयत की महिमा दर्शाते हैं और उसे बलपूर्वक दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं और हकीकत एवं मार्फत की हंसी उड़ाना अपना गौरव मानते हैं। कहते हैं कि हमने नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अब भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गों में फंसे हैं, अभी हम संसार को नहीं छोड़ रहे। चाहते हैं कि दुनी अपनी दानाई से, एक चौपाई है, दुनी अपनी दानाई से लेना चाहे दोए, फरेब देना चाहे हक को, पर प्यारी मर गए होए। चाहते हम राज्य को भी लें, हमें अखंड मोक्ष भी मिले और ब्रह्मा विष्णु महेश का धुन सुख धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ हमको मिलता रहे। धनी को धुतार करते हैं लेकिन धनी ना धुतिया, धनी को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। ईश्वर सृष्टियों को, ब्रह्म सृष्टियों को सत्य मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन वो उनको सुंदर साथ नहीं कहा जा सकता जो कि नाम तो ले रहे हैं राज्य का लेकिन दुनियादारी को भी मान रहे हैं, भज रहे हैं, समझ रहे हैं। एक समय की बात है, ऐसा हो गया कोई 40-45 वर्ष पहले की बात है, एक बार हमारे पिताजी जा रहे थे और वो होते ना पीले पीले कपड़ों वाले, वो ढोल बजता जाता है, क्या कहते हैं, बागड़, बागड़ को जो जाते हैं, बागड़ को कोई जा रहा था, पिताजी ने 5 रुपए उसकी झोली में डाल दिए, कोई बात नहीं। समय गुजरता गया, नुकसान होता गया, घर का इंटरनेट हैंग हो गया है। आइए चाहत जी की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा हमारी गायत्री दीदी ने कितना सुंदर श्री मुखवाणी मंथन किया, उनके दिल में तो गंजान गंज सागर श्री राजी महाराज ने भरे हुए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, गायत्री दीदी प्रणाम जी। हां जी चाहत बिटिया, हमारी चाहत बिटिया बहुत प्यारा श्री मुखवाणी गायन करती हैं, बहुत मीठे मीठे भाव अपने बताते हैं। प्रणाम जी चाहत बेटा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चौपाई इन इंग्लिश। दिस इज फ्रॉम श्री ग्रंथन ग्रंथ, चौपाई इज नंबर 3। मेरे दिल के देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक। Meaning, O comrades, see the reality of my heart, which has neither emotional pains nor love for the Lord within it. Neither did I do any service, nor did I do any salutation. This is what has come to bear on me. Import, Sri Mahamati Ji is incomparable with anyone in terms of service and suffering, the pain of separation. This verse simply depicts the zenith of modesty of Sri Mahamati Ji, which is an apt quality worth emulating. Next is Chopai number 5.
क्यों मेहर मुझ पर भई ऐ थी दिल में ना शक। मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक। मीनिंग अ डाउट यूज टू लिंगर इन माई माइंड एज टू वाई आई अलोन वॉज बेस्टोड विथ सो मच मर्सी ऑफ द लॉर्ड। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट टू हैव सच मर्सी इज एन एक्ट ऑफ लव फिल्ड इंटॉक्सिकेशन ऑफ लॉर्ड। हिज ग्रेटनेस इज बाउंडलेस। हिज ग्रांट ऑफ मर्सी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिजर्वनेस ऑफ द रिसीवर। नेक्स्ट इस चौपाई नंबर 8। अंदर सब मेरे यो कहें धाम से आए माहे सुपन है सन्मंद धनी धाम सो ऐसाक मेहर से उत्पन्न। मीनिंग माइंड कॉन्शियस इंटेलेक्ट ईगो एंड ऑल आर वॉइसिंग फ्रॉम विद इन माई हार्ट दैट वी हैव कम टू दिस ड्रीमी वर्ल्ड फ्रॉम परमधाम। Our original connection is only with the effulgent Lord, Aksharatit. This type of evidence is possible only by the mercy of Lord. Pranam ji, beta, itne prem se, itna meetha aap उन शब्दों को और मिठास प्रदान कर देते हो। देखिए सुंदर साथ जी, ये भी बच्चे ही हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करते हैं, पूरी पूरी रात यूएस के टाइम के हिसाब से वो जॉब भी करती हैं, पर चौपाई पढ़ने के लिए, उनका मंथन करने के लिए सुबह सुबह उठ भी जाती हैं। ऐसे बच्चों के को कोटि कोटि प्रणाम। हम सबको इनसे शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार माया की जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें धनी की तरफ अग्रसर होना है। वेरी गुड बेटा, बहुत मीठा, बहुत प्यारा, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, आप जयकारा भी लगाइए बेटा प्रणाम जी, और गायत्री दीदी का भी इंटरनेट यदि आ गया हो तो जयकारा लगाएंगे मिलकर। हाँ जी प्रणाम जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम समस्त सुंदर साथ की जय। श्री राम रतन धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सिंगारी सजा लीता रल मिल सखिया ने धनी नूरी झालीता। रल मिल सखिया ने धनी नूरी झालीता। प्रणाम जी सबका, बहुत 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 ही प्यारा प्रजाते मोजा लुट लो बल्ले बल्ले ओ साकियां बेहोश कर दे। ओ बल्ले बल्ले ओ साकियां बेहोश कर दे। बट कहंदे दिलां दे सारे, ओ बट कहंदे दिलां दे सारे। बल्ले बल्ले ओ साकियां बेहोश कर दो। बल्ले बल्ले निजाम टकरान लग पे। ओ बल्ले बल्ले निजाम टकरान लग पे। किते साकी ने मेखाना ही लुटाया। ओ किते साकी ने मेखाना ही लुटाया। ओ बल्ले बल्ले नी महफिल रंगीन हो गई। ओ बल्ले बल्ले नी महफिल रंगीन हो गई। अज महफिल विच नवा रंग आया। ओ अज महफिल विच निया रंग आया। ओ बल्ले बल्ले नी मौजां दे ते हाड़िया गया। हाय हाय, ओ मौजां दे ते हाड़िया गया। छाल मार के ना निकले कोई। ओ छाल मार के ना निकले कोई। ओ मौजां दा तहाड़िया गया। ओ बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले।